And Malay Chaturvedi and all the attendees on behalf of our study circle. As you know, there is no need uh, to introduce our Kapilvai. Kapilvai kabil a is very well known. And even now, this time, I took more than two months to invite him. This is my mistake, and uh, <laughs> I I accept it, sir. And okay, uh, sir, sir, but, sir, uh, due to some commitment, I could not invite you, sir. And uh, there are a lot of members who always request me to this, call, Kapilji, call Kapilji, and just uh, give me a, one more motivation also to invite you, sir. So, with this, sir, I once again welcome you and uh, over to you, sir. Thank you, uh, Rajesh bhai. Bihari Jai And my greetings to oh. Damija sap ji and Madam Nitika ji. Nitika ji is also known to me professionally. <laughs> so, and by all 57 other participants who have joined us. Rajesh bhai, see this is like this. When you say nah, it's mistake, it's not like that mistake. It's it's always like uh, what is the dictum of Pake And that dictum is more than the dictum with all due respect to Lordships of Supreme. That has having more binding force on us and me and you. You know तो वी हैव टू विच इज बी बिहाइंड यू आल्सो एंड बिहाइंड मी आल्सो तो ठाकुर जी की कृपा एंड मैडम के पीछे भी नजर आ रही है तो आई बिलीव ऑलवेज इट्स लाइक दिस दैट व्हेन वी आर गिवन व्हाट यू से ड्यूटी बाय द गॉड टू मीट एंड इंटरेक्ट आई वाज सेइंग जस्ट टू मिनट्स टू मोमेंट्स अगो दैट दिस प्लेटफार्म इज ऑलवेज अ फैमिली प्लेटफार्म टू मी इट्स नॉट दैट वेयर आई एम ए स्पीकर एज सच और देर इज नो सच काइंडलॉग बट इज लाइक दिसमिली राजेश भाई और ये सब मेरा परिवार है और ये मेरी ड्यूटी बनती है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट कर पाऊँ और जब भी आप मुझे बुलाओ या तो मुझे मौका मिले अपनी बात रखने में जैसे परिवार में मुझे मौका मिलता है अपनी बात रखने में या हम कोई बात डिस्कस करते हैं तो ये वही चीज है

तो, किया नहीं, को मैं देख रहा तो भाई सब बात ये है की वन फोर्टी 148 सेक्शन इनकम टैक्स में जब 2021 हजार इक्कीस में आया उसका पर्पज बहुत अलग था सर और हम कुछ और पर्पज में चल चुके जैसे तीर्थ यात्रा का पर्पज होता है बाकी बिहारी के दर्शन करना चलिए ओम नमेश भोलेनाथ अभी तीर्थ यात्रा का पक्ष ही बदल चुका है सर अब तीर्थ यात्रा कहाँ जाकर खत्म हो रही है और उसका डेस्टिनेशन क्या है राजेश जी आपको पता है एक दिन मेरे से किसी बहुत बड़े अधिकारी ने बोला बहुत बड़े हैं तो भाई हम तो बहुत हमारा तो क्या है? तो छोटे से वकील है हमें क्या पता भैया कितना वो मुझे कहने लगे गोविंद साहब आप बताया देखिए ये हमने कितना अच्छा निकाला उनको लगा मैं शायद अपीजमेंट टोन में बात करूंगा मैं अपनी चर्चा का आगाज यहीं से शुरू करता तो मैं और मेरे से उन्होंने इनपुट ऐसे फीडबैक लिया मैंने कहा सर मेरे हिसाब से तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस आप या बोर्ड ने जो भी बनाई है क्योंकि उनका कहना ये था कि मैं भी इसका पार्ट हूँ फ्रेमिंग का तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनको एक बात कही कि सर ये मेरे हिसाब से इट इज डेथ ऑफ इट इज एंड ऑफ रूल ऑफ लॉ इफ दिस इंस्ट्रक्शंस एक जैसे, जैसे, एक आप चेहरे को कवर उसको अच्छा बनने की कोशिश करते हैं डेकोरेट तो कॉस्मेटिक तो ये कहते हैं कि साहब ये तो हम एस एस सी के करदाता के लिए भले के लिए लाने बढ़ा टेयर बेनिफिट एंड टैक्सपेयर सर्टेनिटी जबकि ये एक उस कॉस्मेटिक जो एक सेकंड में उड़ जाता है उसकी तरह है इसका पर्पस क्या इंस्ट्रक्शन का इसका पर्पस ये है अचीव नहीं कर पाए पार्लियामेंट से लॉ नहीं बना पाए वो सीबीडीटी करवाए तो और इसका एक ये पैटर्न ऐसे बन गया जीबीडी इंस्ट्रक्शन टू थाउजेंड इलेवन आशीष अग्रवाल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद आई उसके बाद कितने नब्बे हजार केस मुक्तिका जी आज हम कितनी में वो जो आई थी, एक बटा दो हजार बाईस ग्यारह मई बाईस को उस इंस्ट्रक्शन ने जब आशीष अग्रवाल के ऑर्डर को सो कॉल्ड यूनिफॉर्म इंमेशन के लिए लाई उसका पर्पस तो वो तो उससे आगे चलेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था वो भी उसमें उन्होंने बहुत कुछ कह दिया जिसकी वजह से नब्बे हजार केस खुल गए

जो सीबीटी का क्या स्थान है आप सोचिए इनकम टैक्स एक्ट में कहा है? अगर पहले हम पे जाने से पहले think, आप अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी से डील करता है इनकम टैक्स अथॉरिटी के अंदर सबसे ऊपर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस मतलब वो इनकम टैक्स अथॉरिटी है मतलब सीबीडीटी का स्थान

तो राजेश भाई अब ये जो ट्रेंड चालू हो गया है ना ये जो नया इंस्ट्रक्शन इन्होंने अब दिया एक बटा दो हजार तेईस जिसकी वजह से आज हमने सेमिनार रखने का वो है और भी बहुत चीजें कोशिश करेंगे डिस्कस करने की जो मैंने पहले भी आपको कहा था एक बार हमारे एक दोस्त शर्मा जी को बोर्ड पे ले लीजिए यार पुराने दोस्त है बॉम्बे के तो ए, एक पॉइंट ये है कि राजेश जी कि ये जो इंस्ट्रक्शन एक बटा दो हजार तेईस है ना इससे ये दूसरा दूसरा ऐसा रीतिका जी पॉइंट हो गया वो क्या कहते हैं दूसरा जंक्शन हो गया कि जहां पहले वाला पिछले साल का जो इंस्ट्रक्शन आया था उसका तो हमारी राजेश जी सोचिए अगर ऐसा होने लगे कि सीबीडीटी ही पार्लियामेंट का, का काम करने लग जाए और सीबीडीटी ही सुप्रीम कोर्ट का, का काम करने लग जाए तो बाकी सब चीजों की जरूरत क्या बचेगी सर संविधान की और संविधान में की जो जो काम जिसके क्षेत्र रक्षण में आता है सॉरी दिस पॉइंट अभी मैं किस दिनों पहले जी टैक्स लॉ का झारखंड हाईकोर्ट का एक ऑर्डर पढ़ रहा था वो हमारे यहाँ वेरी लॉयर वेरी इंटेलिजेंट लॉयर तरुण गुलाटी साहब सीनियर एडवोकेट है राजी को उन्होंने टाटा स्टील लिमिटेड का नाम नोट कर सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट का अभी ऑर्डर आया है पिछले हफ्ते में वहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू जज साहब के पास आया टैक्स बेंच के सामने झारखंड हाईकोर्ट में टाटा स्टील के केस में जिसको तरुण गुलाटी साहब ने प्रेजेंट कर कि वहां उनके बोर्ड ने कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन दे दिया जिस, जिससे पॉलिसी बन गई मतलब पॉलिसी बनाने का काम सीबीरिटी कर जैसे हमारे यहां वो बोर्ड कर रहा है तो उन्होंने फाइव जज बेंच का डिसीजन साइड किया सुप्रीम कोर्ट का हमारे जन्म से बहुत पहले का कि इस पॉलिसी मेकिंग का काम संविधान में टैक्स पॉलिसी बनाने का काम पार्लियामेंट का है और ये जो सिविलिटी इंस्ट्रक्शन एक बटा दो हजार तेईस अभिशार बिल्डवेल के इंप्लीमेंटेशन के लिए आई है इन माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन दिस इज मेकिंग पॉलिसी पावर इज नॉट विद सीबीडीटी अंडर विदीडीटी सेक्शन एक सौ उन्नीस पढ़ लीजिए एक सौ उन्नीस कैसे स्टार्ट होता है वो कहता है सीबीडीटी कैन इश्यू इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन सेक्टर जी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी एक्ट अब एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का क्या मतलब होता है सर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको अमेंडमेंट की पावर मिल गई संवैधानिक पावर मिल गई उसको और ये और उसका तरीका सोचिए सी आई हैव सोचिएव हैबिट यू नो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट से जब आप आए, आपने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आपने सुप्रीम कोर्ट में क्लैरिफिकेशन लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्लैरिफिकेशन का मुद्दा नहीं है रिव्यू लगाइए अगर लगाना है तो रिव्यू आज तक अभी इनका लगा नहीं अभी सार बिल्डवेल की डिसीजन की बात कर रहा हूं मैं आपसे उसका उसकाफिकेशन जस्टिस एम आर शाह जस्टिस सुधांशु धूलिया साहब की जो बेंच थी वो क्लियरफिकेशन तो ऑलरेडी डिस्पोज हो चुका उसमें उनको नहीं मिला वो क्लरिफिकेशन की डायरेक्शन बता दीजिए इसको जो आपने ऑब्जर्वेशन दिया उसको डायरेक्शन बनाने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट के सामने रेवेन्यू अथॉरिटीज क्लैरिफिकेशन के माध्यम से कर चुकी जो अटेम्प्ट फेल हो गया So, मेरे हिसाब से तो राजेश भाई अगर आप मुझसे पूछेंगे कपिल भाई आई एम सॉरी आई एम वेरी ऑफ सी एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ एम सी स्मॉल ओनली सबमिट विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमांड दिस इज द ओपन ओपन कन्फ्रंटेशन विद रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग इट मीन्स यू लूज इन द सुप्रीम कोर्ट यू कैन कन्विन्स सुप्रीम कोर्ट विद योर पॉइंट ऑफ व्यू पार्लियामेंट टू मेक दिन में ये पुरानी सर्च के लिए भी लगेगा क्यों नहीं कहा आपने वो आप सीबीआई क्यों कह रहा है वो और वो भी इस तरीके से क्यों कह रहा है कि नहीं सब एक सेकेंड रा, राजेश भाई फादर का फोन आ रहा है जो कैन आई जस्ट प्लीज प्लीज सर, सर, सर प्लीज अशोक जी आप ज्वाइन कर लो एज ए पैनलिस्ट ज्वाइन करो अशोक जी सॉरी राजेश भाई सॉरी अरे प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर 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 ठीक है मैं कहा था सर? मैं था ये कह रहा था कि एक तरफ से तो पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं हो पा रही और सुप्रीम कोर्ट भी डिपार्टमेंट की बात नहीं सुन रहा तो ये क्यों कहा जा रहा है कि हम एस के बेनिफिट के लिए कर रहे न्यूज न्यूज़पेपर्स को मीडिया को भी अभी कुछ मैंने देखा न्यूज़पेपर की कटिंग इसके बाद के बाद कि वो तो इसको बता रहे हैं देखो कितना अच्छा हो गया पचास लाख का बेनिफिट मिल जाएगा सर ये हम क्या बांट रहे हैं सर? बाट रहे है, का क्या बाट रहे? आप कह नहीं सकते आप पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ से चेंज ही नहीं कर सकते और फिर देखिए आपने राजेश भाई जब एक बार पता नहीं नीतिका जी उस दिन थी नहीं थी मैंने तब भी नीतिका जी बात कही थी एक बार जब इन्होंने मुझे बुलाया था जब वो कौन सा सेक्शन आया था 194 नाइनटी फोर एन टी डी एस वाला जिसपे वो बड़ा खतरनाक सेक्शन था कुछ बेनिफिट था, था।, था।, था अपने समझ में नहीं आते ऐसे सेक्शन सर पता नहीं क्यों अपने प्रॉब्लम है दिमाग में सर ये बिहारी जी ने <laughs> मुझे प्रॉब्लम कर रखी एनी आई शुड नॉट से एनीथिंग तो पॉइंट इज दिस कि मैं क्या कह रहा था सर देखिए उसमें भी मैंने कहा था कि सीबीडीटी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के नाम पे डिफिकल्टी बढ़ा रहा है वो डिफिकल्टी रिमूव हो रही नहीं हो रही मुझे तो पता नहीं और सुप्रीम कोर्ट का फाइव जज बेंच का फैसला है जो कहता है कि सीबीडीटी को रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी करने के लिए डिफिकल्टी एक्जिस्ट होना जरूरी है आप नोशनल डिफिकल्टी बताकर अपनी तरफ से डिफिकल्टी क्रिएट करके बताने लग जाए लोगों को तो वो क्या और ये राजेश भाई आपने देखा बहुत सारे आज की तारीख में पिछले कई सालों में पिछले कई महीनों में रीतिका जी बहुत सारे रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी का पावर होता है उसमें बहुत सारा सीबीडीटी वो बोल रहा है तो वो सब मेरे ओपिनियन में उन सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डाउटफुल है are you noting my point i can cite the order of the supreme court of india of five just constitution bench the citation of that order is and that is by the former chief justice of our country mr an ray justice an ray that judgment is 98 itr page number 209 98 itr 209 so what is i am trying to submit rajesh bhai ये जो जो सीबीडीटी जैसे इंस्ट्रक्शन लिया है आप एक बार दो आपको नहीं लगता राजेश भाई जरा आप बताइए अपना व्यू कि जैसे अगर आप कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन बना रहे हो जिससे बहुत सारे लोगों के असेसमेंट जो फाइनलाइज हो गए हैं या पर्टिकुलर मैनर में क्लोज हो गए हैं उनको दोबारा खोलना नहीं नहीं दीपिका जी मैं एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट रेस करने लगा हूँ जैसे यूएस में और बाहर की कंट्रीज में आप बेस्ट टेक्स प्रैक्टिस की बात करते हैं तो पता है आपको क्या होता है ट्रांसपेरेंट जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटीज है जैसे वो ट्रांसपेरेंट इंस्ट्रक्शन बनाती है पहले ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन बनाएंगी उसमें कमेंट सोलिसिट करेंगी फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगी ऐसा हुआ यहां पर हमारे यहां हो रहा है जिस संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हुआ है जस्टिस रोहिंटन एफ नारीमान सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं उन्होंने एक फैसला लिखा सेल्युलर ऑपरेटर्स जजमेंट रिपोर्टेड है सुप्रीम कोर्ट का एससीसी में सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जिसमें उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जिस भी लॉ में काम कर रही है इंडिया में उन्होंने यूएस के लॉ को साइड करके इंडिया में ही बात कही थी राजीव भाई मैंने पहले ही बताई थी उसमें उन्होंने ये येमान साहब ने सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के केस में कि आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लाओ पहले स्टेक होल्डर जो प्रभावित लोग होने वाले लोग हैं उनसे पूछ तो लो भाई हो सकता है आपको आपको क्या लगता है हमारे देश में कोई अच्छा सुल। चलो कपिल गोयल बेकार है कपिल गोयल अच्छा सुझाव नहीं दे सकता बट सारे लोग नहीं दे सकते आप सोचेंगे कपिल जी क्यों बोल रहे राजेश भाई इस तरीके का इंस्ट्रक्शन ऐसा लगता है जैसे दिस इज लाइक व्हाट काइंड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ डिक्टेटर इज उसमें नितिका जी लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ये टाइम इतने दिनों तक ये एक्शन करना है इस इंस्ट्रक्शन में एक बटा दो हजार तेईस जो इंस्ट्रक्शन है तो वो इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हो गया जैसे जैसे सितंबर तक का टाइम है और उसके बाद डेज अब सोचिए मालिक जी कि जैसे कश्मीर का वो एक होता है ना फतवा फतवा बोला जाता है कि जैसे अगर फतवा जारी हो गया और जो उस फतवे का पालन नहीं करेगा

तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या उस अधिकारी को आप बताइए इफ आई एम नॉट राइट और क्या वो सुप्रीम कोर्ट उस उस अधिकारी को डिस्क्रिशन दे रहा है कर सकता करना चाहे तो खोल ले या वो डायरेक्शन दे रहा है नो डायरेक्शन एट ऑल इट इज डिस्क्रिशन डिस्क्रिशन तो आप आप सोचिए कि ये बात मैंने क्यों पूछी आपसे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर क्योंकि इन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शन जो बनाया है अब, जिसके हम आज चर्चा कर रहे हैं उसमें इन्होंने सेक्शन 150 का जिक्र किया है अब सेक्शन 150 क्या है राजेश भाई वो कहता है कि 114 फोर्टीन अदरवाइज टाइम लिमिट रीओपनिंग की कहां लिखी हुई राजेशन एक सौ उनके अगर कोई कोई केस रीओपन होना सेक्शन एक सौ उनचास में लिखा है तीन साल के अंदर होना है तीन साल के बाद होना है एक सौ पचास में माले जी को पता है माले जी नोस कि भैया उसमें लिखा है कि अगर आप बिना टाइम लिमिट के कोई खोलना चाहते हैं तो कब खोल सकते हैं जब कोई कोर्ट के फाइंडिंग और डायरेक्शन आए हूँ वर्ड यूज इज फाइंडिंग और डायरेक्शन अब दाद, दाद, अब दादा नहीं, नहीं। ये बॉयल हो गया बिना बिना आपको बोर करे फाइंडिंग क्या क्या होती है है और डायरेक्शन होता आप तभी तो 150 लगा पाएंगे अब सीबीटी तो ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे से घुसता चिट्टी साहब लो पीछे से क्या मतलब जैसे वो फर्रा नहीं होता था सर आप गलत <laughs> कि लो लो भैया देख लो ऐसा चीज है बैकडोर से वन फिफ्टी कहा स्ट्रेट वे

कि जहां उन्होंने ये बात लिखी कि अगर कोई कर निर्धारण सेक्शन एक सौ तिरपन के अंदर जिसका हो रहा है वो कंप्लीटेड असेसमेंट की श्रेणी में फॉल करता है मतलब सर्च से पहले उसका रिटर्न उसका सिक्योरिटी में लेने का टाइम लिमिट वगैरह खत्म हो गया था असेसमेंट पेंडिंग नहीं है तो उसमें आप इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बेस पर असेसमेंट कर सकते वो बात उन्होंने काबुल चावला के दिल्ली हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के डिसीजन को अप्रूव कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अब जब डिपार्टमेंट ने यह कहा कि सर हमारे पास मेटीरियल है

you can note this citation this is a very important order and this is of recent time by bombay high court where the same 149 uh, 150 was applied and writ petition was filed in the bombay high court and argued by our senior counsel partywala see this is the case of pawan as murarka versus assistant commissioner of income tax this is a very important order for today's discussion pawan murarka versus assistant commissioner of income tax 325 ctr 377

Then how you you say that if that if particular observation is a a direction, the the judge has given given test test can all note down, test given by हाउ यू सेट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इज ए डायरेक्शन टेस्ट गिवन बाई कोर्ट इज दिसम कोर्ट ऑर्डर में डालेंगे जिसमें discretion ना हो जो करने में कोई ऐसा ना हो कि आप करें या ना करें आपकी आपकी इच्छा के ऊपर ना हो discretion अगर वो पॉजिटिव compliance मांगे पॉजिटिव कंप्लाइन समझते ना राजेश भाई करना ऐसे है तो भाई साहब कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में bill bill में ऐसा नहीं है और उसका एक कारण है माले जी बिल एग्रीमी लॉजिकली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अम आर शाह साहब ने जब ये डिसीजन लिखा तो उन्होंने कोई इंडिविजुअल केस के फैक्ट देखकर मेटीरियल चेक नहीं किया उन्होंने तो एक लीगल प्रपोजिशन ले डाउन कर दिया और हाईकोर्ट के ऑर्डर अप्रूव कर दिए उन्होंने क्या इंडिविजुअली सुप्रीम कोर्ट को कह सकता कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ के अभिशार बिल्डवेल का कि सुप्रीम कोर्ट के मान्य जज ने और बेंच ने हर एक केस के फैक्ट्स पढ़े हर एक केस के अंदर मटेरियल क्या था वो देखा और फिर उसके अंदर डायरेक्शन दी तभी तो दे सकते हैं जब आप हर एक केस का मेटेरियल देख लेंगे मान लीजिए हवा में डायरेक्शन कैसे आ जाएगी तो कहने का तात्पर्य है सर ये पूरा 150 का इमारत जो खड़ा किया गया यूज नहीं करते, तो क्या नुकसान होता डिपार्टमेंट का, का वो ये होता राजेश भाई कि 150 के डरिए से ही ये कह दिया कि किसी भी साल का केस होगा हम खोल देंगे सिर्फ आपके ऊपर इतनी दया दिखाएंगे जो मैगनानी वो कह रहे हैं मैग्निमिटी कि हम पचास लाख की मॉनिटरी लिमिट का बेनिफिट दे देंगे दे दे। कुछ, कुछ, कि कुछ, ये, ये कुछ पार्ट कैसा हो गया कुछ पार्ट कैसा हो गया कुछ पार्ट कैसा हो गया अरे भैया एक तरीके से तो चलिए एक सौ पचास लगा रहे तो फिर पचास लाख भी नहीं मिलना चाहिए आप समझ गए इट्स इन हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर विच इज बिंग ट्राइड टू क्रिएटेड वेरी

काउंट करिए जी कितने साल में बताइए माइक हाँ, को होने में लग रहा है. 20 20. हाँ, तो भाई साहब ये आयु के हिसाब से सोच लीजिए आप रामी जी मैं <laughs> कहीं से कहीं पहुंच जाता हूँ तो बीस साल के अंदर अगर यही रफ्तार पकड़ी हमने तो सोचिए कि जैसे एक सौ तिरपन आया दो हजार तीन में उसको सेटल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो हजार तेईस में फैसला दिया उसके बाद भी सीबीडीटी को सीबीडी टी को ड्यू रिस्पेक्ट टू तो सीबीडी ये सेटल हो जाए मैं तो ये बोलना चाहता हूं सेटल हुआ हो साल के बाद वो हाथ तो अभी अभी सेटल क्या हुआ वो तो हम आज चर्चा कर रहे हैं सेमिनार में डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं है, तीस सप्टेबर तक सबको दोबारा नोटिस आ जाएंगे तो कहने का मतलब ये सर एक सौ पचास का तो गलत हो गया अब इन्होंने जो नया 148 फोर्टी एट

जबकि ये पूरा इंस्ट्रक्शन का एडिफिस ये लगता है कि उन्होंने नया वाला जब लगाने की पावर दे दी उसको कहना नाम, को सीबीडीटी तो इसका मतलब उन्होंने वो ज्यूडिशियन वो पावर असेसिंग अधिकारी को दे दी जो पार्लियामेंट ने नहीं दी है राजेश जी आई विल साइट वन सर्कुलर ऑफ द सीबीडीटी टू क्लैरिफाई माई पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन ऑल नोट डाउन दिस सर्कुलर एंड दिसकुलर एक्सप्लेनिंग प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट टू आप सबको तो पता है जब 2021 में नया राजेश भाई 148 का प्रोविजन आ गया था तो इन्होंने 2022 में भी काफी सारे चेंजेस किए थे 148 में तो उसका एक सर्कुलर आप नोट कर लीजिए सब लोग सर्कुलर नंबर 23 बटा दो हजार बाईस नवंबर 2022 सर्कुलर नंबर 23 बटा दो डेटेड 3 नवंबर 22 इसका पैराग्राफ नंबर भी बता देता हूँ सर्कुलर नंबर तीन बटा दो हजार बटा दो पैराग्राफ नंबर इकतीस पॉइंट एक है इकतीस पॉइंट एक में क्या लिखते हैं सीबीटी मान लीजिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है देखिए

तो सर ये बोर्ड ही कह रहा है वो बोर्ड जो वहां 2022 में कह रहा था नवंबर 22 में वही बोर्ड यहां कह रहा है कि हो सकता है ये कैसा बोर्ड है ये कौन सा बोर्ड है ये कोई ब्लैक बोर्ड थोड़ी ना है सॉरी <laughs> कि आप कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं अरे भैया और मेरी बात को प्लीज सिंसियरली समझिए मेरा किसी के प्रति सी आप ऐसा थोड़ो ना कह सकते कि नवंबर बाईस में तो आपको लगता है कि नहीं साहब ये नहीं हो सकता आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आपको लगता है कि हमारा रेवेन्यू नहीं आ रहा किसी तरीके से रेवेन्यू आ जाए किसी तरीके से केस छूट ना जाए मालय ये कौन सी भावना हुई और जबकि फाइनेंस एक्ट 2022 ने इस सर्कुलर ने क्लियर कर दिया कि हम एक चार इक्कीस के बाद वाली सर्च के लिए ही नया 148 यूज यूज करेंगे अदरवाइज नहीं करेंगे तो ये जो नया इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिया है वो सर्कुलर के बिल्कुल खिलाफ तो भाई साहब कैसे, कैसे समझे बताइए कैसे समझे मतलब अगर हम अगर हम अपीजमेंट मोड में भी आ जाए जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें नहीं आना चाहिए है राजेश भाई

मैं अपने लिए है, सर, कि एक तरफ से 150 का जो इंट्रोडक्शन हुआ इस इंस्ट्रक्शन इस में वो गलत है और एक दूसरी तरफ से सर जो सीबीडी खुद जो लॉ मेकर पार्लियामेंट के बनाए हुए नए लॉ के ऊपर क्लैरिफिकेशन दे रहा है सर्कुलर दे रहा है वो इसके मिलिटेट कर रहा है इसके कॉन्ट्ररी रिजाज तो आप कहेंगे गोल साहब हम क्या करेंगे भाई सब कुछ नहीं करेंगे मालिक जी जैसे पहले नोटिस आए थे लोगों ने चैलेंज किया था अब जो नोटिस आएंगे आपको तुरंत रिट फाइल कर देनी चाहिए बिना कुछ रुके हुए मैं पहले बता रहा हूं डोंट वेट चैलेंज इट हेड ऑन दिस इज एंड क्लियर मैसेज आप अगर आपको कोई भी नीतिका नीति का जी अभिशार के बेस पे कोई नया फोर्टीट आए बिना कुछ वेट करे आप सीधा रिट में जाइए मेरे हिसाब से वो बिल्कुल गलत होगा क्योंकि 119 को भी पढ़ लीजिए 119 में प्रोवाइजो है आप एक सौ उन्नीस खोलिए उसमें प्रोवाइजो लिखा है जिसमें लिखा है कि कोई भी सिबिलिटी इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं दे सकता जिसमें पर्टिकुलर एओ को पर्टिकुलर असेसमेंट कैसे करनी है वो नहीं बोल सकता ये उसके अधिकार क्षेत्र का हनन है इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कैसे होगी राजेश जी कभी भी वो इंस्ट्रक्शन आशीष अग्रवाल की परेशान कर रही थी कर रही है और वो अब ये करेगी फिर इंडिपेंडेंट असेसमेंट और आप सोचिए इन्होंने क्या कह दिया इसके अंदर को तो अभी तक वो मालिक जी समझाएंगे मुझे ये मुझे नहीं समझ में आया ये पोर्शन वो कह रहे हैं जो उसका केस अपील में चल रहा है और वो अपील में लड़ रहा है जब अपीलेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट लगा देंगे अभिशार बिलवेल तो हम उनका 150 लगा के खोल देंगे तो उसको सिबिलिटी को क्या हमारे अपील के बारे में सबके पता चलेगा की कि किस में कितने ग्राउंड है हमें किस पे रिलीफ मिलेगा इसका मतलब सारी बाकी बिहारी की राम जी की सारी पावर सीबीडिटी के पास आ चुकी है उनको सब पता है और फिर हमें अपनी अपील लड़ने की ही तो नहीं है इसके मतलब जी। <laughs> हो गया कि हमारी अपील में, एक में अगर पे पे पेंडिंग है में। तो उसमें बिल्डवेल आप हमारा केस जबरदस्ती खुलवाएंगे नहीं कर रहा अभिशार वाले पॉइंट सीआईटी पिल कैसे मुझसे जबरदस्ती अपना केस आर्गू कर वेरी सीरियस पॉइंट इफ माय अपील इज पेंडिंग विद एन अपील एट अथॉरिटी एंड आई डोंट वांट टू प्रेस द ग्राउंड ऑफ 153 कैपिटल थ्री कैपिटल बिलवे देन दिस इंस्ट्रक्शन हैज नो रोल टू प्ले एंड सीआईटी पी नॉट फोर्स माय अपील टू ऑन दिस पॉइंट जो है सर, 150 सेक्शन का भी उन्होंने गलत भी किया है भी बोला है बोला रणनीतिका जी और दूसरी तरफ से उन्होंने जो मैंने आपको बताया है कि जो पार्लियामेंट इंटेंशन है नए उसको भी उन्होंने गलत किया है और तीसरा सेक्शन 119 के अंदर जो मर्यादा है जिसका इंस्ट्रक्शन का जो बाउंड्रीज होना चाहिए उसका बाउंड्री के बाहर लक्ष्मण रेखा के बाहर जाकर उन्होंने ये किया है। और सीआईटी अपील के पास कोई भी अपील पेंडिंग है वो कैसे डिसाइड होगी वो कब डिसाइड होगी वो किस ग्राउंड पे डिसाइड होगी वो प्रीरिगेटिव उस अपीलेट का है जो उसको लड़ रहा है वो सीबीडीटी का प्रीरिगेटिव नहीं है तो सीबीडीटी भविष्य की बात कैसे बता सकता है आज इसका मतलब सीबीडीटी जबरदस्ती चाहता है कि मेरी अपील उस पॉइंट पर डिसाइड हो और वो केस खुल जाए दिस नॉट डन एनी आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस पैराग्राफ 7.2.1 7.2.2 एंड 7.2.3 इंस्ट्रक्शन वन ऑब्लिक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टोटली फ्रॉड एक सौ पचास वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया बॉम्बे हाईकोर्ट पवन मुरारका से सीबीटी सर्कुलर तेईस बटा दो हजार बाईस दो हजार बाईसफाई करा उन्होंने एक चार इक्कीस के बाद जो नया वन फोर्टी एट आया वो सिर्फ एक चार इक्कीस के बाद की सर्च पर लगेगा पहले की सर्च में नहीं लगेगा इसलिए जितना भी उन्होंने जो अब बोला वन फोर्टी एट लगाने के लिए पुरानी सर्च है उस पर नहीं लग सकता है ऐसा सर्कुलर आप यूज कर सकते हो तीसरा पॉइंट सेक्शन एक के अंदर सीबीटी एओ को कैसे असेसमेंट करना है वो नहीं बोल सकता वो प्रोवाइजो टू है और चौथा पॉइंट कि अगर आपके पास कोई नोटिस आता है और आपको इसका आप इस इंस्ट्रक्शन के विक्टिम बनते हैं नीति तो आपको विक्टिम बनने के बाद आपको रिलीफ कहां से मिल मिल सकता है जल्दी से जल्दी रिट इसे बिता संजीवनी बूटी कहां से मिलाएगी राजेश भाई केस खुलने के बाद असेसमेंट होने के बाद अपील अथॉरिटी से संजीवनी बूटी आ जाएगी तो साहब तरीका यही है इसको चैलेंज किया जाए मेरे से कोई पूछ रहे थे तो मेरे दोस्त मैंने कहा भैया वो कहते हैं हमारे ग्रुप में आ सकता है सर अब सोचिए इसके बड़े सारे इस इंस्ट्रक्ष, ऐसी इंस्ट्रक्शन से राजेश जी क्या होता है ये पता ही नहीं चलता कि लॉ क्या है सही लॉ क्या है बिल्कुल ठीक बात आप बताइए मैं गलत कह रहा हूँ तो नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात अगर किसी को नहीं

So, अभिनीतिका जी ऑब्जेक्शन आप देना चाहे, 148 आ जाए तो आप दे सकते हैं जैसे मैंने बताया। आप ट्रिक में जाना चाहे, तो भी जा सकते हैं ऑब्जेक्शन लेने के बाद कि ये 148 गलत है पर मेरे ओपिनियन में एक और मैं बात बोलना चाहता हूँ राज्य में जैसे मान लीजिए चौदह पंद्रह ईयर है पंद्रह सोलह है सोलह सत्रह है क्या उसका इस इंस्ट्रक्शन के बाद वन आ सकता है सोलह असेसमेंट ईयर सोलह सत्रह जी नो सर नो सर मेरे ख्याल से आ सकता है कैसे आ सकता है बताइए रीजनिंग बताइए कैसे आ सकता है सर तो मैंने बोला ना कि आप 153 ए में जो भी आपको कोई चीज जो पहले नहीं असेस हुई और अब आपको सर्च की उसमें मिली सो आप सॉरी सॉरी टेक अ पॉज मैंने आपको ये क्लियर कर दिया आप कन्विंस है मेरी उस रीजनिंग से ना 150 नहीं लग सकता तो 143 हाँ, लगेगा मैडम मान लेते अगर नए लॉ तो हाँ। उसमें भी ये बात हम वापस ले रहे हैं कि जिसमें पार्लियामेंट ने खुद बनाया कि वो भी बात अभी साइड में कर देते हैं तो आप जब वन फोर्टी पढ़ते हैं अभी नहीं, 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 नहीं आज जब आप खड़े हैं नाउ यूर कन्विंस इन्हें परसुए सी मेहनत पॉइंट इज दिस कि दैट अगर आप 150 हटा देते हैं और एक के नेचुरल तरीके से मुझे टेस्ट करते हैं कि कौन सा ईयर टाइम बार नहीं हुआ क्योंकि आप पूरे मानी जी इन्होंने जो इंस्ट्रक्शन लिखा ना आप देखिए पैरा आठ में जो प्रोसीजर लिखा है उसमें ये नहीं लिखा कहीं पर भी कि एक वन का जो फर्स्ट प्रोवाइज उसका टाइम लिमिट का बेनिफिट आपको मिलेगा इट्स रॉन्ग इट्स रॉन्ग भैया और उसमें पचास लाख कह दिया मिल जाएगा राजीव राजीद कैसे हो सकता है यही मैं कह रहा था

तो तो मेरे तो होश उड़ <laughs> आज भी हमारे जैसे आपका अभी नहीं। नहीं। ये हालांकि अच्छी चीज नहीं है बड़े बहुत मैच्योर काउंसिल्स हमें समझाते नहीं साहब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने जब मुझे बोला ना मेरी होश उड़ गया और मेरे सो पाया तो मुझे थोड़ा ये व्यवहार मेरे अंदर भी है पुरानी आवाज़ आगे बोली सॉरी सॉरी हाँ फिर हाँ फिर मैंने आपको एनालाइज करने की कोशिश करी और आ, मैंने देखा ये तो बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया इन्होंने बियॉन्ड द लॉ और आपने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया हमको आ, कि पैरा थ्री थर्टी वन पॉइंट वन फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का जिसमें जिसके हिसाब से तो तो राइड़, राइड़, सर, ना देखिए एक बार बताइए कि ऐसे तो इनकम टैक्स एक्ट में जब पार्लियामेंट अमेंडमेंट करता है फाइनेंस एक्ट आता है राजेश भाई बजट आता है आप सेमिनार भी कराते हैं तो फाइनेंस एक्ट के जरिए उसको अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है इंस्ट्रक्शन से पॉलिसी बना ले अगर सारा काम पॉलिसी से ही होना है तो फाइनेंस एक्ट में ऑनरे भैया वो क्या हो

उसका कहने का अभी अभिप्राय ये था राजेश भाई कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो कंप्लीट कंप्लीटमेंट हो गई है जिनमें अदर मेटीरियल है उनका वन तो कोर्ट ने कौन सा अदर मेटीरियल पॉइंट आउट कर दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक आई वॉन्ट टू लुक एट दटीरियल फर्स्ट पूरे एम आर शाह के फैसले में डिपार्टमेंट के वेंकट रमन साहब के आर्ग्यूमेंट में कहा मेटीरियल है केस वाइज और सीबीडी ने कहा से पढ़ लिया उस मटेरियल को भाई आप इतनी बड़ी इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं राजेश भाई इतना बड़ा बोर्ड है हमारे यहाँ इतने लोग हैं आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हम सॉरी इसका मतलब तो ये हुआ कि सीबीडीटी ने अदर मटेरियल अपने आप पढ़ लिया बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के देखे हुए ये पैराग्राफ बताता हूँ माले जी का है बता रहा हूँ तो, सॉरी पैरा सिक्स में है सर

तो राजेश भाई मैंने मेरा हम्बल ओपिनियन आप नोट कर ले मान लीजिए कि अदर मेटीरियल का मतलब होता है टेंजिबल और सुप्रीम कोर्ट ने बोला मेटीरियल है मेटीरियल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहीं देखा ही नहीं इसलिए राजीव भाई मैंने शुरू में बोली थी बात देखिए मैं इस इंस्ट्रक्शन के सारा आपको जितना मैं समझ पाया मैंने इसका एक राइटर भी बनाया वो मैं राजीव भाई आपके साथ शेयर कर दूंगा आप सबको दे दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है वो मैंने बनाया एक आर्टिकल तो मान लीजिए उसमें ये सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आप और कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी दिए जो उसमें नहीं है तो कहने का मतलब ये है सर कि ये पूरा इंस्ट्रक्शन फंडामेंटली फ्लॉड है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर द रीजन दैट सेक्शन 150 का जो उन्होंने जो इनवोक किया वो गलत है दूसरा पॉइंट जो सीबीडी पार्लियामेंट ने जो पॉलिसी बनाई थी कि एक चार इक्कीस के बाद वाली सर चीज नहीं में आएगी क्योंकि उसमें वो था कि एक, एक गुण था लेजिस्लेचर का कि हम नीतिका जी पुरानी चीजों को स्टेल चीजों को री नहीं करना चाहते इसलिए एक चार इक्कीस का थ्रेशोल्ड डाला ना कट ऑफ क्यों डाला समबड़ी शुड गोइंग टू दैट साइंस तभी वो सर्कुलर आया जो मैंने लिखवाया आपको फिर तीसरी बात जो उन्होंने सेक्शन एक की मर्यादा है उसको उल्लंघन किया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट का इंस्ट्रक्शन नहीं है ये इंस्ट्रक्शन वो करने का पॉलिसी का कर रहा है डायरेक्टली डिर्क, वो नहीं कर सकता है लॉ बनाना पॉलिसी बनाना जो पार्लियामेंट का काम है चौथा पॉइंट जो मैंने आपको क्लियर किया कि इस पूरी इंस्ट्रक्शन के अंदर जो उन्होंने अदर मटेरियल की बात करी है वो सब सुप्रीम कोर्ट ने कोई मटेरियल नहीं चेक किया केस बाय केस बेस पे उनके एओ ने कोई एडिशन कर दिया तो वो अदर ना बन गया आप अगर कभी किसी को 148 करना हो आज तो वो पुराने केसेसमेंट के के अंदर जो भी ने लिखा उसको सबको वैलिड मटेरियल मान लेंगे आप व्हाट इज ए जंगल कानून एंड यू आर अनसेटलिंग माय सेटल्ड थिंग मेरे को कोई बोल सकता है आप देखिए भैया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं, मैं नितिका जी इन दिस कि अगर कोई लड़ेगा तो उसको लड़ना ही पड़ेगा मैंने बता भी दिया कि आप रिट में जाइए आप ऑब्जेक्शन फाइल करिए अब किसी को र, राजेश भाई नहीं लड़ना है और किसी को अच्छा लगता है केस खुल गया भैया वो लोगों को हमारा साधुवादी है बाकी बिहारी लाल की जाए हमारा उनको राधे राधे है भैया ऐसे लोग बड़े अच्छे हैं वो हमें भी शक्ति दे हमें भी अच्छा लगने लगा मुझे नहीं लग रहा है ये इंस्ट्रक्शन किसी एंगल से भले मेरे अंदर अभी ऐसे भाव नहीं आ पा रहे ये मेरी समस्या हो सकती है

क्या लाला जी क्या कहेंगे वो कहेंगे बहुत अच्छा हो गया राधे राधे तो सोचिए यही लड़ रहे हैं जी हम यही केस रिट का देखिए आने वाले टाइम में अगर यही इंस्ट्रक्शन आती रहेंगी तो उससे दो बातों पे सवाल यह निशान खड़ा होता है कि संविधानिक जो परंपरा हमारे यहाँ संविधान है इतना बड़ा आर्टिकल फोर्टीन आप नोट कर सकते हैं आर्टिकल टू सिक्सटी फाइव नोट कर सकते हैं तो उसमें जो पार्लियामेंट संविधानिक परंपरा है मर्यादा है उसका उल्लंघन हो रहा है

चलिए mm -hmm. ज़्यादा मेरी लैंग्वेज में बोलिए मैं तो जाता आप तो देखिए देखिए जाता आप आप मेरा तो नेचर कुछ अजीब सा है लोग टॉलरेट कर लेते हैं मेरे को बट इज़ इज़ पॉइंट दैट नितिका जी दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग दे आर वांटिंग टू इशू इन दिस मैनर हमारे इनकम टैक्स के कमिशन दो समय नाम ले रहे हैं अभी आज के उन्होंने मेरे विचार सुने उन्होंने कहा गोल साहब आपने वो पचास लाख वाला नहीं देखा गया मैंने कहा पता नहीं मुझे नजर ही नहीं आ रहा मुझे अभी भी नजर नहीं आ रहा है वो आई एम सॉरी आई एम सींग सी वट इज दिस क्योंकि आप 150 जब लगा रहे हैं तो एक का पचास लाख कहां से लग जाएगा दोनों सेक्शन पैरेलली माले जी कभी लग ही नहीं सकते लग ही नहीं सकते दिस इज दिस सी आई एम वेरी टू स्मॉल टू टेल इट आई एम ए वेरी छोटा मैन मेरे को नहीं पता

उसमें नीचे लिख दिया था कि इसके जितने भी एटीआईसी के डिडक्शन पुराने सालों के इसमें हुए सब खोल दो इसलिए उन्होंने डायरेक्शन दे दी थी थ्री में वो बात जस्टिस सिन्हा के कोर्ट में पहुंची जब सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें एक सौ पचास सेक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ और पूरा सिक्सटी डिग्री एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट ने करके दिया कि एक सौ पचास से आप एक इंडिपेंडेंट क्वाजी जुडिशियल एओ की पावर को नस्ते नाबूद नहीं कर सकते सर

पचास साल बाद भी लग सकता है जैसे जब हम उन्नीस के बाद जैसे साहब बोल रहे हैं आप कहेंगे भाई। तो, उसके बाद भी लग सकता है। तो ये माले जी दिस इज दिफ्टी सेक्शन यूज पर सर लेजिस्लेटर की कभी भी ये इंटेंशन नहीं रही कि नहीं सर, ना, ना, कभी नहीं। भी, भी हाँ ये कभी भी नहीं रही सर लेकिन तो ये, आप सोचिए ना तो पर दादा सोचे हमारे आपके लिए कॉमन मैन के लिए एक आदमी के लिए जो लॉ एक झेल रहा है उसके जिसको नोटिस आएगा उसके उसके उसको उसके लिए तो एक बहुत बड़ा और हमारे लिए भी सीबीडि बड़ा गणमान्य बोर्ड है सर उसके अंदर आप वन साइडेड पॉलिसी नहीं बना सकते ऐसे तो कहने का मतलब छोटे केसेस में सर बड़ी प्रॉब्लम है एसएससी बेचारा मर जाता है जब ये नोटिस देख लेता है हर तरह से और आप सोचिए एक और मैं दिल दिल से चीज आपको बता रहा हूँ मैंने आज सोचा था राजेश भाई मैंने आठ दस आठ पंद्रह बीस इंस्ट्रक्शन के पॉइंट पॉइंट ऑफ के अलावा माले जी जैसे मैं ये सोच रहा था कि किसी ने मुझसे भी मेरा एक सेमिनार हुआ अभी औरंगाबाद में सीएन से का ही अपना तो वहां मुझे क्या ड्यूटी दी राजेश भाई कि गोयल साहब आप इनकम टैक्स तो मुझे अभी ढंग से आया नहीं तो उन्होंने मुझे ड्यूटी दे दी कि आप इनकम टैक्स का सर्च का प्रोविजन जीएसटी की सर्च से कंपेयर करके पढ़ाइए

जिसमें ये इशू आपको हालांकि मैं जीएसटी एक मेरा सब्जेक्ट नहीं है बट इसमें इनकम टैक्स आ गया अभी बताऊं अभी आप समझेंगे ये जीएसटी की सर्च उन्होंने क्या करी किसी किसी आदमी क्या करी जिसके यहाँ सिल्वर यूटेंसिल वगैरह कुछ सामान मिल गया कैश सॉरी करेंसी मिल गई वो करेंसी मिल गई वो करेंसी उन्होंने रिसीव कर ली अब कोच जीएसटी में शादी इशू पहले से चल रहा है कि जीएसटी वाले सर्च के दौरान रोकड़ा जैसे क्या बोलते हैं रोकड़ा ना हमारे मारवाड़ी में रोकड़ा सीज कर सकते नहीं कर सकते तो उस पर एमपी हाईकोर्ट अगेंस्ट आया था इसमें दिल्ली कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कर सकते और जबकि सेक्शन सत्रह से आया हुआ है किसी ने समझाया दो हजार तेईस सीजीएसटी ने सर्च कर लिया और कितना कैश सीज कर लिया वो सब गलत है दिस इज दिल्ली हाईकोर्ट द केस ऑफ दीपक खंडेलवाल बा जस्टिस विभू बाकरू दीपक खंडेलवाल उसमें एक पॉइंट जो मेरे मेन इनकम टैक्स कहाँ आप सोचिए राजेश भाई इन्होंने क्यों सर्च करी इनकम टैक्स जीएसटी की आप बताइए सोचिए आइडिया लगाइए आप सोच भी नहीं सकते मैं भी नहीं सोच सकता था जब मैंने पढ़ा वो कह रहे हैं के पास अनअकाउंटेड चीजें पड़ी हुई है जो इनकम टैक्स के हिसाब से अकाउंटेड नहीं है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए जीएसटी का सर्च हो रहा है कमाल और ये आप आप, आप सोचेंगे कप, कपिल भाई आप आप दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाइए दीपक खंडेलवाल नाम सर्च करिए और मुझे बताइए मैं बलफ तो नहीं मार रहा हूं

सही बात कह रहे हैं सर अभी मैं आपको इसी में एक एड और कर दूं सर बड़ा इंटरेस्टिंग तो। है बॉम्बे हाई कोर्ट का सर एक हमारे पास ऑर्डर है 2020 का एस एफ ओ जो कि आजकल सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है नाम सुन लग के लगता है सर वो सी आर पी सी और आई पी सी के सेक्शन को अप्लाई कर रहा है एस एस सी पर जबकि इसमें मद किस बेसिस पे हाँ वही मैं बताता रहा हूँ बेसिस कोई नहीं है हाँ. और बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2020 का नहीं का बेंच का उन्होंने सिंपल कहा है कि ये जुडिक्शन में आता ही नहीं है ऐसे भाई की ही नहीं है आप सिर्फ कंपनी <laughs> एक्ट के कंपनी एक्ट के सेक्शन को अप्लाई कर सकते हो एस एस पर सर जिसके यहाँ जैसे एक बार पावर है हाँ. सर एक पहली बात आप सोचिए राजेश भाई जिस इंस्ट्रक्शन को आज हम डिस्कस करने के लिए भी बात कर रहे हैं उसमें जी किसी की सर्च असेसमेंट की बारी तो बहुत बाद में आती है पहले तो सर्च होती है उसी समय उसकी बेचारा किसी के कोई बेचारा का मतलब कहने के कि किसी ऊपर सर्च हो गया अभी उसका हालत सोचिए क्या होता होगा उसका हालत का नॉर्मल आदमी की तरह होता है कि उसका बहुत अच्छा हो गया कि सर्च हो गया इनकम टैक्स वाले आ गए बड़ा अच्छा हो गया बाकी बिहारी लाल की जय हो अभी अच्छा हुआ अभी और आ जाए ऐसा होता है राजेश भाई अभी सोचिए जब सर्च होता है तो सब चीजें गेर क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में कि जैसे एवरीथिंग पुट टू स्टैंड स्टिल एक साइकोलॉजिकल nice. सी अब आप सोचिए जब उससे लाला जी से कितना उसको गन पॉइंट पे कहकर तू तु, तुम्हारे यहां से अभी जब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम सरेंडर नहीं करोगे प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है।, बिल्कुल, बिल्कुल, है पचास करोड़ सरेंडर सौ करोड़ ये इनकम कहां कहां से फिगर कहां से आया आपको ये फिगर पहुंचने का इजाजत कानून सेक्शन देता है कि आपने आपने कर कर लिया लिया और एक magical figure आपने, आपने डिसाइड कर लिया अपने में। फिर उसे में जबरदस्ती सरेंडर जो बिल्कुल गलत है राजेश जी अतुल भाई भी आगे पूरी जी को भी कर तो राजेश भाई सोचिए अगर सरेंडर अब सारा प्रॉब्लम राजेश भाई सर्च में होता किस लिए क्यों हो रहा है सारा

इम्प्रॉमच्यो मैनर में इम्प्रॉमच्यो मैनर में रात को तीन बजे उसको बेचारे की हालत क्या होगी भैया सुबह चार बजे ऐसे होते सरेंडर राजे जी

अरे नहीं दादा मैं कुछ तो और बात कह रहा हूँ सरेंडर कर दिया जब असेसमेंट की बारी आई और पता चले कि आपने 20 करोड़ नहीं कमाया 10 करोड़ तो कम सर कोई। कोई तो यही मैं, कहना हूं। यही मैं आ, कहना हूं। वो बीस से ऊपर जाएगा मैं तो कहता हूँ हमारा अनुभव ये होता है कि बीस तो कम से कम है तो हो गया अब आगे क्या बताइए हम क्या कर सकते ये ये सेंट्रल सर्कल का भी मेरे देखा जाता रहा है सर तो ये जीएसटी वाला दोबारा लिखा देना कौन सा वो सर ऑर्डर <laughs> दीपक खंडेलवाल खंडेल देखो नीतिका जी हमारे साथ चल दीपक, दीपक रहे जी, जी ने ऑर्डर दिया जी हाँ क्रांतिकारी ऑर्डर है इसमें सर्च प्रोविजन को कैसे पढ़ना चाहिए उसकी मर्यादा क्या होनी चाहिए नीतिका जी उन्होंने इतना अच्छे से समझाया विभू बाकरू इज ए क्लास टैक्स जज उन्होंने यह बताया है कि सर्च प्रोविजन पढ़ते वक्त आप उदार भाव नहीं रख सकते उदार भाव समझते को पढ़ते वक्त मैनर ऑफ इंटरप्रिटेशन रिस्ट्रिक्टेड यू कांट बी एक्सपेंसिव एंड लिबरल एंड वाइडर एंड दिस इज दिस मेक्स सेंस बिकॉज सर्च इज एन इन्वेजन ऑन प्राइवेसी राइट ऑफ एक्सपे यू कांट बिहेव लाइक दिस की अच्छा ये जो सीबीडी इंस्ट्रक्शन आज जिसके आज हम चर्चा कर रहे हैं मैं क्यों लिंक कर रहा हूं राजीव जी कि आप सब चीजों को कैसे पढ़ रहे हैं अगर भाकुरु साहब सही है तो ये गलत है पूरा भाकरू साहब ने एक बात कही कि भैया सर्च प्रोविजन को अच्छा ऐसा राजेश जी कैसे देखिए क्या हो रहा है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन दिखाता हूँ चार्टेड अकाउंटेंट टाइप से समझ में आए किसी आदमी के आप सर्च करने आए उससे पहले पता डिपार्टमेंट को नॉलेज में था कि उसके पास एस के पास ये बैंक अकाउंट है

के में डाल रहे हैं जो एक्सप्लेनेशन टू है मेरे अंडरस्टैंडिंग में हमें आने वाले टाइम में राजेश भाई इस चीज को बहुत ध्यान से अच्छा देखिए अब क्या होता है सर्च का रीजन तो आपको बताते नहीं है ना पूछ सकते हैं आप उनसे तो सोचिए अगर सर्च का रीजन सौरभ जी ये है कि जो पहले से डिपार्टमेंट की नॉलेज में है प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन जिसको मैं बोलता हूं लेटर से फॉरन बैंक अकाउंट इट कैन बी फॉरन ऑल्सो कैन मेरे लिए दोनों इस मामले में अलग अलग नहीं है मेरे लिए एक ही है एज ए स्टूडेंट ऑफ तो राजेश भाई उसके लिए वन यूज ही नहीं होना चाहिए ये भी मेरा बोलना है और वो बात कहीं ना कहीं खंडेलवाल साहब का ये डिसीजन भी कर रहा है सपोर्ट बट मैं आपको मोटी बात बताना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि सर्च का पर्पज बताइए जो चीज पहले से सरफेस के ऊपर है जो पता है उसको दोबारा स्क्रैच करने का है या जो सरफेस के नीचे उसको निकालने का बताइए क्या है सरफेस से नीचे वाले का है ये सरफेस से ऊपर वाले का भी है ये चांद का भी है सॉरी का <laughs> <आगा> है <laughs> अरे भैया तुम जो आपको पता है उसको आप 148 करो ना आप उसको क्यों नहीं कर रहे हैं उसका उसका रीजन है मैं बता रहा हूं ना उद्देश्य गलत है

जिसमें सर्च का प्रेस रिलीज आता है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं आप उसको पढ़िए कितने लोगों की सर्च की इंफॉर्मेशन का ग्रुप क्या सर्च करी बता देते हैं उसमें वो पहले पहले से ही बता देते हैं मैंने सब हमें इतना लगता है इनके पास हजार करोड़ रुपया है मैं हमेशा सोचता हूँ उसी समय पता लग जाता है ऐसा कौन सा कौन सा वो है क्या नाम स्टिक है थर्मामीटर है क्या है जिससे सर्च टीम को सर्च के समय पर ज्ञात हो जाता है कि इसके पास इतना पैसा है जादू नहीं लगता आपको आप किसी सर्च के, सर सर्च के टाइम में तो जो आपका मोबाइल नंबर है ना टेन डिजिट का वो भी अमाउंट <laughs> बन जाता है उसकी भी एडिशन हो जाती है अच्छा मैं उसके बाद में आप लड़ते रहो ठीक थी, है ठीक है सर आप समझ के बात आई प्रेशिएट योर थैंक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग सी पॉइंट इज नॉट दिस कि हम और आप किसी टैक्स इविडर को सपोर्ट uh, कर रहे हैं हम और आप ये कह रहे हैं कि लॉ के प्रोविजंस इस तरीके से यूज नहीं होने चाहिए जैसे रहे है। कर रहे हैं आप आप उनको टूल एक बॉम्बे हाई कोर्ट का लिखवा रहा हूँ सर्च की बात चल रही है आप लिख लीजिए तो दीपक खंडीवाल एक और क्रांतिकारी फैसला लिखिए जो अभी का है अगस्त का ही है वो भी तेईस का बॉम्बे हाईकोर्ट के जज है जैसे हमारे अब दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सिद्धर है उन्हीं का एक ग्रुप है के आर श्रीराम साहब

उसके अंदर भी तभी स... हो सकता था जब सर्च वारंट हो और उनके ऊपर सर्च हुई हो और सर्च होने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है राजेश भाई सर जब तक नहीं हो सकते जब तक रीजन टू बिलीव अथॉरिटी रिकॉर्ड ना कर दे हालांकि इनकम टैक्स में आपको मांग नहीं सकते दो हजार में जेटली साहब अमेंडमेंट कर गए थे कि सर्च के सेटिस्फेक्शन नोट को असेसी मांग नहीं सकता इज एन एक्सप्लेनेशन फाइनेंस एक्ट इन सेक्शन स्वागत है राधे राधे तो पॉइंट ये है सर कि वहां जब वो अच्छा

डिपार्टमेंट को डायरेक्शन कोर्ट की आई टी टी की ऑर्डरशीट पर डिपार्टमेंट सी आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस 2023 में अब ये जो इन्होंने डिपार्टमेंट ने एक रिट फाइल किया हाई कोर्ट में आईटीटी टी के डायरेक्शन के ऊपर कि हमारे पास 2017 के अमेंडमेंट के बाद हमारे से आईटीटी नहीं मांग सकता रिकॉर्ड तो कोर्ट ने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा भा, भाई साहब सॉरी अभी आ, अभी आप आप आईटीटी को मत दिखाओ हमें दिखाओ हमें दिखाओ इतने में एसएससी भी और समझदार हो गया कि कुछ तो लोचा लग रहा है ये दिखाना ही नहीं चाह रहे हैं

ड्रॉ एडवर्स इन्फ्लेंसिंगली बताता है तो यह माना जाएगा कि अगर वो बताता तो उसके खिलाफ जाएगा दिस इज एडवर्स इन्फ्रेंस रूड समझ गए सर दो

<laughs> अरे नहीं माले जी मुझे मेरे कहने का, का मतलब ये मैंने कहा सर ये बताइए कि अगर सर्च कहीं थर्ड प्लेस पे हुई विच इज नॉट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कंपनी एंड वेदर और नॉट एन इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट इज फाउंड कैन इट बी ट्रीटेड एज ए वैलिड सर्च सर देखिए मैं आई गॉट यू लेट अस गो टू बेसिक एंड इट्स अ वेरी लर्नड क्वेश्चन एज यू जनरली आस्क

जैसे मान लीजिए वर्कशॉप है उस उसपे पहुंच हाँ। तो सर मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो वो सर्च कंप्लीट सर्च नहीं हुई मतलब वो सर्च आपके ऊपर नहीं मानी जाएगी हुई। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन किस बेस पे है मेरी रीजनिंग क्या है मैं वो बता देता हूं क्योंकि तो सर्च एक्शन एक पर्टिकुलर एस जो आर्टिफिशियल एंटिटी है उस पर तभी मानी जाएगी जब उसका जो मेन हेड ऑफिस है जो जिसको आप बोलते हैं क्या बोलते हैं कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफिस यू से तो उसको उस सर्च वारंट बनना जरूरी है See, this is very दिक्कत हो हाँ. अगर आप एक चार इक्कीस के बाद सर्च कर देते हैं किसी क्या जैसे बता रहे हैं और वो मैं पर्सनल ओपिनियन जैसे मैंने बोला की मेरे हिसाब से वो सर्च

आपने बोला ना कपिल भाई किसी क्या ऐसी जगह चले गए जो उसका मेन जगह ही नहीं है मेरे को याद आ गया क्योंकि अब मेरा नाम कपिल गोयल है गोयल है गोत्र गोयल है गोत्र बोलते हैं ना <laughs> तो एक केस हुआ दादा आपकी बात सुन के याद आ गया चर्चा को थोड़ा करने के लिए एक राजस्थान हाईकोर्ट का केस है मुझे नाम नहीं याद आ रहा केस का इनकम टैक्स का केस है जस्टिस जिनेका साहब उसके ऑथर थे तो वहां इश्यू यह था कि एक वारंट बना दादा उस वारंट के ऊपर लिखा था कि किसके ऊपर सर्च हुई राजेश भाई गोयल फैमिली भैया फैमिली में कौन आता है गोयल के अंदर सारे गोयल्स आते हैं जिस इस पे जितने भी है, सब आ गए आप लिख दे गोयल फैमिली खिमानी फैमिली ऐसा क्या सॉरी जी ऐसे लिख दे अग्रवाल फैमिली चतुर्वेदी फैमिली ऐसा क्या हो इज दिस और ये कोर्ट ने बोला भैया इसमें फैमिली

कि डिपार्टमेंट जब सर्च करता है और किसी दूसरे किसी आदमी के जैसे कई बार क्या होता है जैसे 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 एक और एग्जांपल एग्जांपल आपको आपको देता हूं, जैसे जो बात आपको, आपके बात मान लीजिए आपकी को आंसर करेगी फॉर कंपनी है नीतिका जी और कंपनी फंक्शन करती है डायरेक्टर्स के थ्रू कंपनी का ब्रेन होता है डायरेक्टर वगैरह लोग जो तो भी मेन डायरेक्टर अब कंपनी का सर्च राजेश भाई वारंट बना कंपनी के नाम पे भी और डायरेक्टर के नाम पे भी कॉमन ज्वाइंट वारंट हो सकता है लॉ में अब तो जो एग्जीक्यूशन वारंट का हुआ माले भाई वो उसके कंपनी के एड्रेस पे गए नहीं वो डायरेक्टर के, के गए क्योंकि नहीं है, का, जैसे इंडिया पाकिस्तान में हाँ। इस वारंट को जिसको एग्जीक्यूट किया डायरेक्टर के रेजिडेंस पे इसको कि, ये क्या माना जाएगा किसके ऊपर सर्च हुई डायरेक्टर के ऊपर हुई कंपनी के ऊपर कोई नो सर्च <laughs> Not <at all>. Not <laughs> क्या बात है राजीव भाई राजे आपका यही स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा नहीं हुआ हुआ उल्टा हुआ डिपार्टमेंट ने कहा कि जिस, हमने एड्रेस एक ही पकड़ा हो साहब हम तो जितना भी नाम उस पर लिख दिए उन सबको एक सौ तिरपन मानेंगे की उनके ऊपर सर्च हो गया उनका ड्रीम रिओपनिंग हो जाए बताइए भैया कोरोना हमारे ऑर्डर से बहुत सारे हैदराबाद आई टी तो बहुत सारे केस है सर की जहाँ सी जिस इज अंट है आप कंपनी के हाथ तो गई नहीं उसके एड्रेस पे जो आप बोल रहे हो और डायरेक्टर के रेजिडेंशियल एड्रेस पे, पे जाकर ऐसे फर्म पार्टनर पे हुआ बहुत जगह आर यू नोटिंग में भी ऐसे हुए डायरेक्टर कंपनी में भी हुए केसेस और रिपोर्टेड केसेस हैं मेरा केसेज है कि सर सर्च एक्सरसाइज पहले ही राजेश भाई पहली तो बात ये है कि कि सर्च एक्सरसाइज होनी ही कम चाहिए आर जी पहली तो बात ये है सर सर्च एक्सरसाइज शुड नॉट बी द नॉर्मल को हालांकि आप देखिए राजेश भाई मैं अपनी ब्रेड एंड बटर के अगेंस्ट बात कर रहा हूं मेरे पास ज्यादातर केसेस ही सर्च वाले आते हैं

Oh. With, with <laughs> you know no. तो राजेश भाई आपको पता है अब आजकल जब सर्च होती है जब डिपार्टमेंट डिजिटल एविडेंस पकड़ता है तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी डिजिटल में आपने कभी नोटिस किया कि जैसे कभी सर्च करने डिपार्टमेंट आया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल गई व्हाट्सएप मैसेज और ये सब डिजिटल एविडेंस मिल गया उसका कैसे यूज होना चाहिए इन इन वो आप 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 गंगा सागर पहुंच गए <laughs> मैं पीछा पीछा, पीछे 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 नहीं नहीं बाय है जैसे आप किसी के कि और आपने अनगिनत जैसे कहते हैं आपने बहुत सारा डिजिटल डाटा ले लिया अब उस डाटा लेने के बाद उसकी मर्यादा से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज कैसे होगा ये कैसे सुनिश्चित हो रहा है सर हम तो इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे हैं क्षमा कीजिएगा बीच में बोल नहीं, नहीं, हम तो इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा मैं, रहे मैं चाहता हाँ, बोले क्रिमिनल हाँ। प्रोसीडिंग्स uh, में तो आपको कोई रेस्ट uh, ही नहीं है आपको उठा के बंद कर दिया चार्जशीट बना दी अब आप हाईकोर्ट के सामने अपना कानून दिखाते रहिए तब तक तो आप अंदर है ही है। तो ये दिस इज अ वेरी ड्रेकोनियन सॉर्ट ऑफ थिंग सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ इज नॉट कंसीडर्ड एट द फर्स्ट लेवल

अब राजे जी क्या क्या कह सकते हैं आपकी जिसके पास से मिला उसके ऊपर जो उसका इम्प्लीकेशन नीति का के जिसके पास से वो मिला है और जो थर्ड पार्टी है उनके ऊपर सेम प्रम्पन सेम इम्प्लीकेशन होगा नो no. अब 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 मान लीजिए सोचिए क्या हुआ इसके आगे गाड़ी बड़ी एस ने पूरा डिनाई कर दिया मेरे को नहीं पता

ये और उसके असेसमेंट कर दी अब मेरा क्वेश्चन यहाँ राइज़ होता है कि आप भैया डिजिटल एविडेंस लेने जा रहे हैं आप किसी उस तीसरे थर्ड पार्टी पे राजेश भाई उसको लगा रहे हैं तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन बिना किए बिना उसको कॉरोबरेट किए बिना उसके उपर... और सही है सब ऑनर्स रेवेन्यू का ऐसा जस्ट कैन यू 132 में भी एक प्रोविजन दिया हुआ है कि एविडेंस फाउंड फ्रॉम अ पर्सन

क्या डिपार्टमेंट ये प्रिज्यूम कर सकता है या ये कह सकता है कि नहीं वो जो जिनका केस खोला थर्ड पर्सन का वो अपने आप को नितिका जी इनोसेंट कैसे साबित करेगा नेगेटिवली जब तक डिपार्टमेंट सी ओनर्स इज ऑन होम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेवर टेक्स दिस इज द प्रॉब्लम देयर आई एम टेक्सा सी आप आप डिजिटल एविडेंस ले आए आपको इतना अच्छा लगा वो डिजिटल एविडेंस कि आपने लिया और सब पे लगा दिया ना केवल केस खोलने के लिए उसका एडिशन करने के लिए

सर ये बीच में इन लोग ये जो आशीष अग्रवाल के परसमेंस में इन लोग जो एक एक्शन प्लान लाए जिसका इन लोग टाइम बारिंग बोलने लगे थर्टी फर्स्ट मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कुछ hmm. केसेस में असेसमेंट ऑर्डर नहीं आए इवन दो ड्राफ्ट शो का नोटिस hmm. आई ड्राफ्ट शो का ऑर्डर <laughs> आए से लास्ट टाइम बारिंग डेट तो I'm इस केस में क्या मानना चाहिए क्या वो क्लोज हो गया है ड्रॉप हो गया है इसके साथ में कि इसको ड्रॉप कर दिया है तो इन लोग क्या वापस से अगर ये पंद्रह सोलह का केस है तो क्या वो वापस फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू के गार्ब में वापस खोल सकते क्योंकि ट्वेंटी वन में तो खाली एसेट है ट्वेंटी टू में एक्सपेंडिचर में सब कुछ लपेट लिए तो क्या वापस आप भी तो मेरी तो मेरी लैंग्वेज बोलने लगे प्रियंका anyway, मेरे मेरे है। क्या है प्रियंका जी यू है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके दो भाव है एक तो लाइटर भाव और एक सीरियस भाव दोनों में आंसर करता हूँ देखिए क्या है जब डिपार्टमेंट के लोग जो भी हायर एलिक में जिनकी हम बात कर रहे हैं कि जब ये इस तरीके की पॉलिसी बना देते हैं और एक जैसे क्या बोलते हैं क्लैरियन कॉल की नहीं साहब सब लोगों का इकतीस मई तक असेसमेंट कर दो जबकि कानून में मैंने पहले भी आ, आपको पता होगा मैंने बोला था ये सब गलत टाइम लिमिटेशन काउंट कर रहे हैं सेक्शन एक आप सब नोट कर लीजिए सेक्शन एक सब सेक्शन सबसे जो डिपार्टमेंट जनरली साइड करता है बिल्कुल हवा में साइड कर रहा है प्रियंका जी उसका कोई लेना देना नहीं है इससे एक सौ तिरपन सब सेक्शन सिक्स लगता ही नहीं है यहाँ पर आशीष अग्रवाल के फिर वही बात डायरेक्शन फाइंडिंग लिखा है उसमें वर्ड

फोर्सफुली पीछे घसीट कर प्रीपोन करके उसको एक उसका राइट टू फेयर ट्रायल छीन लिया है तो मेरे ओपिनियन में वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वॉयेशन है आगे की बात आप कह रहे हो कि कपिल तो भाई मान लीजिए किसी का अगर असेसमेंट हो गया था आपने बोला एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग और उसने अपना केस नील पे करा लिया ड्रॉप हो गया उसका केस दोबारा रीओपन हो सकता है नहीं हो सकता सी ऑल दीज एक्सरसाइजिस ऑफ रीओपनिंग यू नो प्रियंका जी आर नॉट ईजी एक्सरसाइजिज लाइक दिस की आप फाइनेंस एक्ट दो की जिस अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं वो अमेंडमेंट मैडम तब लगाकर रीओपनिंग हो पाएगी जब सी अगर पहले से कोई मेटेरियल उनके पास अवेलेबल था और उसको लगा उस, उसकी मतलब अवेलेबल का मतलब आप समझते हैं आई बिलीव कि जिस समय उन्होंने आपका जी, 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 उसकी नॉलेज में था वो और क्या किया क्या, क्या नहीं किया वो सी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारा काम डिपार्टमेंट को प्राइमरी फैक्ट्स डिस्क्लोज करना है मैडम ये थोड़ा डिस्क्लोज करना है उसमें कंक्लूजन क्या लेना है इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ करनी है दिस इज एनडीटीवी केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चार सौ चौबीस आई पन्ना नंबर छह सौ सात और कलकत्ता डिस्काउंट इकतालीस आई टी आर एक सौ दोनों ऑर्डर आप नोट कर लीजिए एनडीटीवी न्यू दिल्ली लिमिटेड चार सौ चौबीस आई टी आर छह सौ साइस आईटीआर नॉट प्राइमरी फैक्ट्स आपका ड्यूटी है मैडम एओ को ये थोड़ी ना बताएंगे भैया इन प्राइमरी उनकी नॉलेज में अगर उन्होंने नहीं लिया तो उसके लिए टू सिक्स थ्री अगर हो पाएगा तो हो पाएगा तब वो भी तब होगा जब एरोनियस

और मेरे को जितना सिखाया गया मेरे को ये पर, पर, बोला गया है या हमने सीखा है कि ज्यादा से ज्यादा असेसमेंट की फाइनलिटी की को डिस्टर्ब नहीं होना है सर तो, इसमें इसमें एक चीज जो आप मिस कर रहे हैं जो प्राइमरी बहुत सारे केसेस में हो रहा है कि hmm. आशीष अग्रवाल के केस में फाइनेंस एक्ट 2021 लिया गया है उस hmm. समय uh, 50 लाख के ऊपर अगर कोई है बियॉन्ड hmm. 3 इयर्स एंड 50 लाख के ऊपर होने के लिए आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट बहुत जरूरी है जो कि आज इन मोस्ट ऑफ द केसेस डिपार्टमेंट हैज नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश 148 नहीं कर पा रहे तो अब ये सोच रहे हैं कि चलो भाई जब इसने नहीं कर पा रहे आप मेरी बात समझिए देखिए मैडम हां जी विद ड्यू रिस्पेक्ट सी आप मेरी बात समझिए कि जब हम आपने मुझे जो क्यूरी पोस्ट किया मैं उसी को तो आंसर कर पाऊंगा अभी अभी आप बात पे चले गए कि जब 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी की आप कंडीशन की बात कर रहे हैं तो उसका एक इतिहास है आप आपको पता है वो कंडीशन उन्होंने कहां से लिया है 149 1 बी का जिसका बात कर रहे हैं ये तो लेजिस्लेट की बेनेवोलेंट एक्ट बनाने ना ना ना, न, ना nah, 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 nah. आप नोट करिए 153 शेड्यूल का चौथा प्रोवाइजो जो 2017 में फाइनेंस एक्ट ने ऐड किया था उसका एक सर्कुलर है हां हां आप पढ़िए लॉ को जब से, से ना हम जब लॉ को सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं तो ऐसे नहीं आर्ग्यू करते कि कि कोर्ट को बोल दिया कि नहीं ये सेक्शन ऐसे है, उसका एक मिशीफ होता है उसकी एक हिस्ट्री होती है छ साल के अलावा चार साल एड होंगे उसका सर्कुलर आप नोट कर लीजिए सर्कुलर नंबर दो बटा दो हजार अठारह

नहीं होता है। का सिंपल मतलब होता है, किताबों के बाद अनकाउंटेड अनिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट आप एक इन बात समझ रहे हैं और उसका सर्कुलर बड़ा दो बड़ा दो हजार अठारह फाइनेंस एक्ट सत्रह का अमेंडमेंट एक सौ तिरपन का मान लीजिए उसके साथ आप को आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी जुर्स नजर आएगी मैं आई एम टेलिंग टू यू कि बॉम्बे कुछ अभी जजमेंट्स आए हैं जहां हाई कोर्ट ने इतना तक भी अभी बोल दिया है कि जो अप्रूवल मिल रहा है एक सौ इक्यावन का अगर उसमें प्रॉपरली असट वाला बता, बताया नहीं है अप्रूविंग अथॉरिटी ने तो भी रीओपनिंग क्वेश हो जाएगा आप सोच नो, नोट कर रहे हैं मेरा बात जी 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 नाइन वन बी का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन परफॉर्म ऑफ अप्रूवल में आना चाहिए सेक्शन एक सौ इक्यावन में

तो क्या हम अपने आप से कोई सपना जी थी अब सोचिए कोई बोले कि नहीं आप अपने आप पता लगा लीजिए कौन सा ऐसा क्या पता लगा लेगा कोई। फिर उस तो उसको बताना ही अधिकारी को तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक सौ तिरपन ए का चौथा प्रोवाइजो सर्कुलर दो बटा दो हजार अठारह अनोज इन्वेस्टमेंट इन अट और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने छह फरवरी तेईस को मोहिया मोहतरा जी का एक क्वेश्चन का एक सौ तिरपन ए का दो सौ अड़तालीस का आंसर देते हुए आंसर दिया है हाँ हाँ. आपकी नॉलेज में नहीं है

तो आपको ये आपका बात बिल्कुल सही है कि जो डिपार्टमेंट ने एक्सटेंडेड पीरियड किया किया। वो से नहीं किया। जी थैंक यू यू। सो मच। आई आई होप एम राजेश भाई देखिए क्या था बात हमारी ये चल रही थी मेरे को आज चार पांच कुछ ऐसा डिसीजन डिस्कस करना है जितना भी, भी समय बचा है कि चार पांच जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बड़े हैं जो आप सब लोग हमेशा याद मेरा राय ये है और मैं आपको पहले भी बोल रहा था कई दिनों बता दूर श्योर सर प्लीज अनुमति है ना आपकी अरे सर, 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 सर। हाँ कपिल भाई आप डिपार्टमेंट नहीं हो आपके ऊपर कोई मर्यादा लागू नहीं है yeah, नहीं नहीं अरे अतुल भाई क्या है पुरु जी क्या है पता है ऐसा नहीं है सर ये तो आपका बड़प्पन है पर बड़ अभी मेरे को अपने ओ, अपने को हमें चाहे हम कहीं पर भी हो एक तरीके से रहना होता है अभी मैं दो तीन सुप्रीम कोर्ट दो तीन नहीं पांच सात बड़े इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर मुझे लगता है कि कई बार हम इनको मिस कर देते हैं इन ए सेंस की जैसे हमें कोई रिप्लाई बनाना है कोई सबमिशन बनानी है अतुल जी या हमें कोई स्टैंड लेना है तो मेरा मानना ये है कि हम इन सब जजमेंट्स को जो पांच दस मैं आपको लिखवाने लगाऊ फिर

एल्यूमिनियम ऑफ इंडिया लिमिटेड यूनियन ऑफ इंडिया जी लिखा है जस, ज, ज, जस, ने कि क्या टैक्स लॉ में किसी भी टैक्स लॉ में अगर कोई इंटरप्रिटेशन का सवाल आ जाता है तो क्या वही इंटरप्रिटेशन फेयर इंटरप्रिटेशन मानी जाएगी जो एस के खिलाफ है आपको ये सवाल सुन के

तो एक मैं लाइव पढ़ के बताता हूं राजेश भाई मैं पढ़ के बताता हूँ तभी तब ज्यादा वो आपको उस की की इस जजमेंट महत्वता आज के परिप्रक्ष में कितनी ज्यादा है एज्यूमिंग दैट द टैक्स पेयर्स टैक्स ऑफिसर्स हैव एन एल आई बी एल आई बी ऑफ टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिवन नोटिफिकेशन द क्वेश्चन इज वेदर प्लेनर यूज ऑफ लैंग्वेज इज एन आर्ट बियॉन्ड द ड्राफ्टमैन स्किल्स क्वेश्चन मार्क हुई थिंक नॉट The rule of law is the cornerstone of democracy. And how can there be a rule of law in a society if the members, the bulk of whom who are too poor to buy legal services, cannot decode the legislator's law and therefore obey it? Incomprehensible law annals the administration and estranges the citizen at a time when quick justice and less sterile litigation are deserted. Command of the law can claim the allegiance of the lay.

अब इसमें क्या हुआ ब्लैक मनी लॉ में राजेश भाई अभी बहुत सारे जब केस खुल ये जो तो उसमें दो चीजों पर अब चर्चा को सरल समझा बताने के ब, बनाने के लिए एक एस हमारे एक्स उनके वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है हांगकॉन्ग की या यूके की उनका बैंक अकाउंट वहां पर है वो कंपनी के अंदर डायरेक्टर है प्रोफेशनल कैपेसिटी में

इनको क्या बोला इसमें एओ सामने और हमारे इनकम टैक्स के लोग ही करते हैं एडिशनल कमीशन लेवल के लोग इसमें एओ एओ है असेसिंग ऑफिस तो उन्होंने क्या कहा को कि भैया तुम तो इसमें डायरेक्टर हो कंपनी में ने कहा हां सर कह रहे तुम्हें कुछ पैसे मिलते हैं डायरेक्टर होने के लिए तुम प्रोफेशनल कैपेसिटी में कह रहे नहीं सर हम तो गुडविल कैपेसिटी में तो राजेश भाई उन्होंने इस बात की वजह से कि वो डायरेक्टर है भारतीय हांगकांग की कंपनी में और उसका एक बैंक अकाउंट है वहां पर जिसमें कई सारा करोड़ रुपया ऊपर अभी आगे पीछे होता है वो कंपनी वहां काम कर रही है उन्होंने उसके बैंक अकाउंट का बेनिफिशियल ओनर हमारे क्लाइंट को मान लिया इस बात की वजह से कि तु, तु, हो और इन्हें ओनर जो ब्लैक मनी लॉ में अब अभी मैं आ रहा हूं ब्लैक बेनिफिशियल ओनर पे एक मिनट अब मेरे पास अब एक केस आया तो संभव था मेरे ब्लैक मनी लॉ नहीं पड़ा था ज्यादा बहुत ज्यादा बता रहा हूँ सर फिर मेरा नीति का जी मेरे पढ़ना पड़ा मुझे उसको केस लड़ना है तो माले जी मेरा ध्यान एक सेक्शन टू क्लॉस टेन की परिभाषा है राजेश भाई वो आप सब नोट कर लेन ब्लैक मनी एक्ट इज्लियाक्ट आउटसाइड इंडिया उसको अगर सरल भाषा में बताया जाए राजेश भाई वो, वो वहट है, है जो आपने बाहर हेल्ड किया है, जिस हेल्ड, आपने एक रखा है जिसके सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आप संतुष्टि से पा रहे दो बातें असेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया

कि जब तक प्रत्यक्ष रूप से आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी होगी जिसका ओनर माले जी पहले रेवेन्यू को बताने ना मैंने इन्वेस्टमेंट करी है तभी तो मैं उसका सोर्स बताऊंगा मैंने इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी तो आप मेरा इन्वेस्टमेंट का आउटसाइड इंडिया का एडिशन कर सकते हैं ब्लैक मनी लॉ में बिना इन्वेस्टमेंट के अब ये डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ उसमें राजेश जी ये घूम के समझ में आ रही बात ऐसे 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 घूमर 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 और घूमर कर कर क्या आप इन्वेस्टमेंट में पहुंचेंगे अब मैंने आपको घूमर करने का कोशिश किया है अभी आप अनडिसक्लोज अट आउटसाइड इंडिया में जो भी ब्लैक मनी लॉ के ऑर्डर है जिसमें आपका एडिशन ऐसे हुआ है आप चेक कर लें। ये ऐसे कैसे आप बेनिफिशियल ओनर लॉके राजेश भाई ऐसे तो सारी कंपनी की कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाएगी और आपको जजमेंट लिखवा रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया बेनामी लॉ का अभी रिसेंटली कल्याण बिल्डमार्क ये सारा ब्लैक मनी लॉ का जो बेनिफिशियल ओनर का इन्होंने फंडा लगाया है ये राजस्थान हाईकोर्ट का ये लैंडमार्क डिसीजन आप सब नोट कर लें कल्याण बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स वंडरफुल डिसीजन राजेश भाई ये बेनामी लॉ में इन्होंने किसी कम, किसी किसी आदमी को को कंपनी बेन, बेनिफिशियल ओनर बेनामीदार बना दिया तो जज साहब ने लिखा भैया कंपनी के एसेट कंपनी के होते हैं उसके शेयर होल्डर डायरेक्टर के नहीं होते हैं आप बेनामी लॉ नहीं लगा सकते ऐसे तो वही बेनिफिशियल ओनर का कंसेप्ट ब्लैक मनी लॉ पर भी लग रहा है कि आप सिर्फ उस आदमी को जो हमारा इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में डायरेक्टर है और उसको रेम्यूशन मिला तो उसके कंपनी का बैंक का मालिक हो गया वो बेनिफिशियल ओनर हो गया तो उसके लिए कन्याल बिल्ड मार्ट की नोट कर चार पन्ना मेरे पास तो एक दो केस आए अभी जैसे मैंने जो मैं जिसकी तैयारी करा था तो उसमें मैंने जब पढ़ा तो माले जी मेरे समझ में ये आया ना तो वो इन्वेस्टमेंट बता पा रहे हैं और जबरदस्ती हर एक एस एस को बेनिफिशियल ओनर बना दे रहे हैं तो सर ये चेक कर लीजिए सर और वो जो लेट जो लैंग्वेज ऑफ लॉ है वो वो भगवान मालिक है सर वो अस, वो कल, वो जो कृष्ण अयर साहब का क्रिटिसिज्म है कि आप लैंग्वेज को सिंपल रखिए भैया अगर किसी को समझाना है मालिक जी क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं कुछ ऐसी सर एक हमारे एक, एक, एक किसी एस को ना एक ब्लैक मनी का एक नोटिस आया हुँ. वो उससे पूछते हैं कि भाई साहब ये फला बैंक अकाउंट आपको बिलोंग करता है नहीं करता है बताइएगा और को क्या हुआ जब हमने दो तीन बार वो पढ़ा तो पता लगा कि उसमें बैंक अकाउंट नंबर गलत था लास्ट <laughs> के दो डिजिट टाइपिंग में हाँ। वो कर गए हमने सिंपली उनको मना किया कि भाई साहब हमारा ये अकाउंट हमारा है ही नहीं ना हमको कोई अकाउंट ही बिलोंग करता है अब उसके बाद से तो अभी तक कोई नोटिस आया नहीं है बाकी बिहारी की दया बनी नजर ना लगे नजर टूना कराते रहिए <laughs> पर ये जस्टिस कृष्णा यायर के जजमेंट का मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा था कि ब्लैक मनी लॉ को समझना माले जी इट्स नॉट ए क्रिटिसिज्म मैंने तो मैं आपको बता रहा हूँ सर जब तक सेक्शन टू क्लॉज टेन और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट और जैसे वो प्रियंका अजीत सरिया जी भी मुझसे पूछ रही थी ये जोंग्वेज वन फोर्टी नाइन बी की है कि आधी चीज वन में लिखी है आधी चीज वन फिफ्टी में लिखी है तो इस तरीके से सी आप जब लैंग्वेज यूज करते हैं तो वही जस्टिस कृष्णा ईयर ने उन्नीस में जो ये बात कही कि आप लॉ का अगर सम्मान करवाना चाहते हैं करदाता से या किसी भी सिटीजन से कंट्री के और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना चाहते हैं तो लॉ की लैंग्वेज को सरल रखिए तभी उसका लेवल बढ़ेगा राजेश जजमेंट अभी आया है राजेश भाई ये लेटेस्ट ऑर्डर है जस्टिस चंद्रचूड का क्योंकि आपके यहाँ कई दिनों बाद मिल रहे हैं इसके बाद फिर चर्चा को विराम ये जजमेंट फाइव जज बेंच का राजेश भाई चंद्रचूड साहब ने अपना जैसे डॉक्टर चंद्रचूड साहब हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं

सिटी हाई हाईकोर्ट ऑफ केरला इसकी साइटेशन है एस सी सी की दो हजार तेईस एस सी सी ऑनलाइन एस सी नो सो चौरानवे दो हजार तेईस एस सी सी ऑनलाइन राजेशनवे मैं पढ़ के बता रहा हूं राजोत चालीस पचास जो इसका पहला प्रिंसिपल है वो ये कह रहे हैं फाइव जज बैन डॉक्टर चंद्रचूड की द प्रिंसिपल ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर दैट द ऑफ

2023 के की अगर इंस्ट्रक्शन की बात की जाए के बाद वाली की, उसमें ये consistency, transparency और predictability है सौरभ जी प्रिडिक्टिबिलिटी समझते हैं ना मतलब क्या होगा सर्टेनिटी प्रिडिक्टिबिलिटी है transparency है कि कैसे बना वो इंस्ट्रक्शन क्या क्या उसके अंदर आपने दिमाग लगाया एक कैसे लगाया राजेश भाई ये किसी के लिए ऐसा लग सकता है कि ये आर्टिकल चौदह डॉक्टर पे है फैसला क्या लेजिटिमेट और अनुच्छेद चौदह पे है

that regularity and predictability are hallmarks of good regulation and governance regularity and predictability i'm sorry malayji in both this instruction of one of 2023 and the earlier instruction of one of 2022 all these correct good characteristics are missing in my respectful submission they are not consistent in my respectful submission they are not transparent in my respectful submission they are not predictable they make everything unpredictable और इसीलिए वो जो मैडम अभी पूछ रही थी प्रियंका जी में से सवाल तो ये जैसे होना तो नहीं चाहिए राजेश भाई हम इसको चैलेंज भी कर सकते हैं आर्टिकल चौदह एक्सपेक्ट जब आप कभी भी कभी हाईकोर्ट जाए या कोई केस आर बनाए तो उसमें आपका मेरा कहना है कि ये फाइव जज बेंच का जो क्रांतिकारी फैसला चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है ये आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है क्योंकि देश के अंदर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं वो इससे कवर्ड है राजेश जी समझ गए नहीं समझ गए Theoretical नहीं है इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये फैसला लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का जैसे जैसे आप एक बार बताते रहिए कि जो बात सीबीडी ने 2018 में फाइनेंस एक्ट सत्रह को एक्सप्लेन करते हुए कही थी वो वन फोर्टी जब आया तो उसमें नहीं लगेगी लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन नहीं है आप कंसिस्टेंट रहिए ना आप प्रिडिक्टेबल रहिए आप आप अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखिए क्यों आप इस तरीके से कर रहे हैं कि हर एक चीज अनस्टेबल है

जो ये जो रामे जी एक बेटा दो हजार बाईस वाला जो आशीष अग्रवाल वाला उसमें उसमें ये लिखा हुआ था एक जगह राजेश भाई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा ये इसी को फाइव जजमेंट को लिंग करते हैं फिर क्लोज करेंगे उसमें लिखा था राजेश जी की जो भी आशीष अग्रवाल के बाद जैसे अतुल पुरी जी ने पूछा भी था मुझसे उस समय जब एक जजमेंट आया था एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जब ये यूएस में थे उन्होंने तब क्वेश्चन पूछा था मई 2022 में मुझसे राजेश भाई कि जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड की आई है कपिल भाई उसमें लिखा है कि इतने टाइम तक दो जून तक किसी टाइम तक ये मटेरियल सप्लाई करना है

कि आपने कुछ इंस्ट्रक्शन एक जो आप कह रहे हैं हमने बहुत अच्छे के लिए बनाई है वो कुछ असेसिंग ऑफिसर अपनी श्रद्धा से फॉलो करेंगे और कुछ उसका अपमान कर देंगे ये लॉ है तो मेरा जज बेंच के के जो 2023 क्रांतिकारी के सॉरी क्रांति जो विजय कुमार साहू जी जो आप पूछ रहे हैं और नोट कर लीजिए शिवानंदन सर और टाइप कर दीजिए राजेश भाई शिवानंदन सीटी मैं मै टाइप कर देता हूँ सॉरी शिवानंदन सबको चला जाएगा एक सेकंड सर

चंचूर ने राधाकृष्ण इंडस्ट्री में भी एक बहुत अच्छा कोर्ट दिया था आ, आपने पहले ही बोला पर मालिक एक मिनट यही रोक रहा हूँ आपको सुनिए बड़ा फर्क है सर ये जो जजमेंट आज आपको मैं बता रहा हूँ और जो हम डिस्कस कर रहे हैं शिवानंदन सिटी वाला ये पांच के संवैधानिक खंडपीठ का फैसला है

जस्टिस चंद्रचूड ने प्रिंसिपल और नेचुरल जस्टिस के ऊपर तरासी पेज का लिखा था कोई अलग बात हुई मैं पांच जज जब बैठते हैं तो बड़ा कम होता है और जब इस तरीके की बातें तो है, जानते हैं ऐसे सीनियर कि जहाँ वो एडमिनिस्ट्रेशन पूरे ओवरऑल कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को बोल रहे कैसे बिहेव करना चाहिए तो सीबीडीटी अपने इससे वंचित क्यों मानता है क्या

कि डिपार्टमेंट को तो हर एक चीज ऐसा इंटरप्रिटेशन लेना है जिससे रेवेन्यू के असेसी के खिलाफ हो उसमें लैंग्वेज ऐसी बनानी है जो स, जो समझने के लिए हमेशा कपिल गोयल जैसे आदमी के पास और इस के से जाया जाए फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो चंद्रचूड़ साहब बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को सुंदर और स, 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 बढ़िया तरीके से चलना है वो भी आपको नहीं सुनना है तो साहब पॉइंट ये है कि फिर आपको अगर ऐसे ही चलना है जैसे आप चल रहे हैं और जिससे लिटिगेशन ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जाए तो राजेश भाई फिर तो राधे 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 ही

पढ़ने लायक चीजें हैं सर दोनों एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन आज का होमवर्क हो गया एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन और शिवानंदन सिटी बाकी तो सीबीडीटी जो भेज देता है वो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट हो ही जाता है बट मेरा एक नोट होगा मैं राजेश भाई को भेज दूंगा सीबीडीटी से और ये दो ऑर्डर में हाथी के पाँव में सबका पाँव आ गया पता नहीं मैं मैं नहीं नहीं अभी प्रियंका जी देखिए प्रियंका जी को क्वेश्चन देखिए इनके राजेश भाई इनको अलग से जैसे ऐसे जो हमारे मैडम होते हैं उनको एक अलग से वो कर दिया करेगी थैंकफुल थैंक स्पीकर की तरफ से स्पेशल थैंक्स चार, चार, चार. <laughs> ये प्रियंका जी जो आपका क्वेश्चन का उत्तर है वो कल लगे हैं मैटर्स राजीव बंसल का बैच जस्टिस बीवी नागरथन की कोर्ट में पांच सितंबर को देखते हैं क्या होता है कीप आवर फिंगर क्रॉस राजीव बंसल और किनारा इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में कल लिस्टेड है कल टीचर्स डे भी है राजस्थान हाईकोर्ट को का कौन सा मैंने डिसीजन बताया सॉरी राजस्थान का कौन अभी वो ब्लैक मनी के ऊपर बोला था आपने हाँ सर वो बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्डर थर्टी नाइन उसको 439 आईटीआर पेज नंबर चिश्ट्रूरूर। हाँ, चिश्ट्रूरूर। आ, चार सौ ऐसा तो हो रहा है कि जो लोगोंग्रीमेंट सेम की जो इन्होंने लॉ बनाया इतना समझाना की मेरे को खुद उसके साथ जब मैं उस केस की तैयारी कर रहा था तो मैंने बताया ना इन्वेस्टमेंट वर्ड सबसे क्रिटिकल है उसमें

उसमें एक, तो एक ने बाहर इन्वेस्टमेंट किया उसने अपने सारी इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स में दिखा रखी है उस पर रिटर्न भी दिखा रखी है और जो पैसा भेजा वो भी दिखा रखा है सोर्स एक्सप्लेन तो तो उस तो बैंक ने क्या किया वहां पर क्योंकि तो ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट होती थी तो बैंक ने अपने इंटरनल पर्पज के लिए एक डॉलर का अकाउंट खोल दिया एक यूरो का अकाउंट खोल दिया एक जेल का ऐसा करके दस अकाउंट खोल दिए डिपार्टमेंट कहते हैं दस और बैंक ने चिट्ठी दी कि इसके आपका कोई लेने देना है हमारे इंटरनल कंट्रोल के लिए है

इपोकल ऑर्डर 83 आईटीआर पन्ना नंबर 26 हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा कि द टेक्निकल एंड विनियल ब्रिज विल नॉट अट्रैक्ट एनी पेनल कॉन्सिक्वेंस वो कहां लगेगा वो कब लगेगा है राजेश भाई मतलब रेवेन्यू का प्रेजुडाइज हुआ नहीं एक पैसे का और पेनल्टी लग गई एक करोड़ जैसे बता रहे है ये, ये तो वो सर, वो हैं अतुल जी पूरी जी ये तो सर तब है जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रह रहे हो सर चलिए अब ठीक है मुझे अपने थैंकिंग वो कहने दीजिए कि बाकी बिहारी लाल की जय हो जाए ना मोरा करू सुबह दासमोत हो, हो रहा सर और और प्रभु की जो कृपा है बंधव गुरु को पदम परागा सरस अनुरागा तो राम जी की कृपा हम पे बनी रहे और बाकी बिहारी का जन्मदिन सबको मुबारक हो सर ठाकुर जी की कृपा हम सब पे बनी रहे मेरे पे आपके थ्रू आप सबके थ्रू मेरे को बाक्य बिहारी का आशीर्वाद मिलता रहे कपिल भाई अब इन शॉर्ट ये बताओ जो सर्कुलर आया है इसका करना क्या है सर तो सर जैसे करने जिस नहीं, सब... पे करने है। नहीं नीतिका जी जिस दिन भी आप, कोई बात नहीं पूरी जी बड़े हैं सर मैम तो उसमें क्या है जब भी आपको अतुल भाई कोई भी नोटिस आवे बिना वेट करे सीधा कोर्ट चले जाए बोरी विस्तार को दक्षिणा जरूर देनी पड़ेगी वो अलग जगह है राजेश भाई बिल्कुल बिल्कुल लेकर बोल रहा हूं बुरा नहीं मानिए सर प्लीज ना, तो ना, आप, नहीं 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 बुरा मानता आपका आ, आपके साथ काम अतुल जी तो क्या है आप जानते हो मेरा भाव यू नो यू है कहने का कि अगर हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे पे तो ये डैमेज और करेगा करेगा बिल्कुल करेगा और करेगा बर्ड क्या होता है वो वो उसे करना आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैसे तो समय की कमी है अदरवाइज आपको ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे इसको स्विच ऑफ या मीटिंग को एंड करने का मन ही नहीं करता और मैं तो ये कहता हूं कि कपिल नाम में ही ना कोई करामात है चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो जो कि कपिल शर्मा शो चल रहा है ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स में जो अपील है उसमें हमारे कपिल भाई इस तरह से हैं कि बस पूछो मत कि कपिल जी ने आज जो स्थान हासिल किया है ना मुझे नहीं लगता सर आने वाले समय में उसको कोई टच भी कर पाएगा राजेश भाई ऐसा और, नहीं। और आपने सर जिस तरह से स्टडी करके जो आप हमें इनपुट देते हो रियली really वो बहुत हमारे मेंबर्स के लिए उपयोगी है और कहीं ना कहीं वो बहुत नहीं पर राजेश भाई मैं मेरे को सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है संतुष्टि सर।, तो सर सर सभी का भी सर यही भाव है आपके प्रति मैं केस और... आर्ग्यू करता हूँ ना आप कभी देखिएगा कभी मैं जस्टिस के पास हूँ किसी कोर्ट में हाई कोर्ट के जज के पास अब आप, आपके आशीर्वाद से जैसे सब जगह जाते हैं पर मुझे कभी भी ना मैं अपने दिल की भाव बता रहा हूँ एक मिनट में आपने बोला ऐसा है ऐसा नहीं है पर मेरे को इतना अच्छा लगता है राजीव भाई जो मुझे वहां भी इतना अच्छा लगता है केस आर्ग्यू करके हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो यहाँ अच्छा लगता है नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है भाई भाई बहुत बहुत धन्यवाद मैं कभी टक जाता हूँ कपिल भाई को फोन करता हूँ पेट्रोल नहीं, 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 आप, आप, है मेरे पेट्रोल कपिल जी का सर ये तो बिल्कुल वास्तव में इस चीज कि मैं भी राजेश जी मैंने मैंने कह रखा है मेरा फोन नंबर अपने आप ही राजेश अग्रवाल जी है मेरे पास और कोई फोन नंबर नहीं है राजेश कपिल जी का सर कोई जवाब नहीं है और उसी वक्त इंस्टेंट सॉल्यूशन है आप कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो ये नहीं कहेंगे कि साहब दो मिनट बाद कॉल करो या देख के बताता हूँ या पढ़ के बताता हूँ नो उसी वक्त टाइम सर कोई फोन नंबर नहीं है मेरा फोन नंबर राजेश अग्रवाल जी है और मेरा कपिल भाई आई एम सॉरी मैंने एज ए पैनलिस्ट ज्वाइन नहीं किया था यहाँ पर सवेरे के पांच बजे से जब आपका साढ़े चार बजे अब आपका शुरू हुआ था और मैं बात नहीं कर पाता था नहीं। अभी मैं नीचे आके फैमिली रूम में बैठा बात कर है। और हमारे का का, 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 कागरा साहब आज ज्वाइन नहीं कर पाए उनका भी विशेष धन्यवाद और क्योंकि वो उनको मैं रिकॉर्डिंग जरूर भेजूंगा और सभी के लिए भेजूंगा फिर वंस अगेन धन्यवाद थैंक यूकून हरे कृष्ण यू